जय हिंद दोस्तों, रिजल्ट्स आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। मैं जानता हूँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी रिजल्ट्स को लेकर। नहीं, इस वीडियो में मैं किसी प्रकार की कोई मोटिवेशनल बात आप लोगों से नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई डीमोटिवेटिंग बात करने वाला हूँ। इस वीडियो के दौरान मेरा एम है कि हम आपका सेल्फ रियलाइजेशन की बात करें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो जब रिजल्ट आएगा तो ये बहुत ऑब्वियस है कि 85% ऑफ द स्टूडेंट्स आप में से इस एक अटेम्प्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। मैं जानता हूँ इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, बट एक बार आज रिजल्ट के पहले अपने आप को ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिए कि क्या मैंने इस अटेम्प्ट के लिए अपना 100% दिया था। अब आप बोलेंगे, सर ऑब्वियसली मैंने दिया था, कैसी बात कर रहे हैं आप। अब ये बात हमें समझना ज़रूरी है कि वॉट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय 100%। इसे समझाने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आप लोगों को ये कहानी अच्छी ज़रूर लगेगी। देखिए, सीए करने के बाद ना हमारे पास ना दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम जॉब कर सकते हैं या फिर हम प्रैक्टिस या बिजनेस करते हैं। अगर हम जॉब करते हैं ना, तो जॉब के अंदर हमारे ऊपर कोई ना कोई हायर अथॉरिटी होती है जो हम लोगों को ये बताती है कि हमें क्या करना है, और हर रोज़ शाम को ना अपडेट लिया जाता है कि बॉस तुमने अपना ये टारगेट कंप्लीट किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो सही में बहुत जलील किया जाता है। सो यू हैव टू बी एट योर टोज ऑल द टाइम। पर जब हम हमारे प्रैक्टिस में होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं, तो हमने हमारा पैसा लगा के रखा है, हमने हमारा टाइम यूटिलाइज करके रखा है, तो हमारे ऊपर कोई हायर अथॉरिटी नहीं बैठी है जो हम लोगों को बता रही है कि हमें ये करना है। हमें खुद अपने कस्टमर्स के, अपने क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। और आज की डेट में तो प्रैक्टिस कितनी डिफिकल्ट है आप सब जानते हैं। जैसा कि हम सब लोगों ने एक चीज़ तो किया ही है, मतलब ये फेस किया ही है कि हमारा जो क्लाइंट होता है ना, उसको जो कंप्लायंसेज होते हैं ना, उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल, अभी अकाउंटेंट लोग अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये तो सब हम लोगों ने देखा ही है, और आप लेके चले जाते हो एक लंबी कंप्लायंस की लिस्ट कि मेरे को ये डेटा चाहिए, ऐसा चाहिए, ये भरना पड़ता है, ये चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अब क्लाइंट अपना बिजनेस छोड़ के ये सब काम थोड़ी करता रहेगा ना। अब दूसरा ऑप्शन होता है कि वो कोई ऐसा सीए को पकड़ ले जो सीए उसको बोले कि हाँ ठीक है यार, मैं साइन करके दे देता हूँ रिपोर्ट, जाने दो सब कंप्लायंसेस वगैरह, मैं लिख दूंगा हाँ तुमने सब कुछ कंप्लाई करके रखा है। आइदर केस जो क्लाइंट का एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, वो किसी ने रिजॉल्व ही नहीं किया, तो रिजॉल्व कैसे होगा। जब आप वहाँ पे जाएंगे और बोलेंगे ठीक है मैं साल भर आपके पूरे के पूरे डेटा को मॉनिटर करूंगा, मैं सारे के सारे कंप्लायंसेस तैयार रखूंगा, अकाउंटेंट को ट्रेन करने की जिम्मेदारी मेरी, डेटा प्रिपरेशन कैसे करना है सब उसको सिखाऊंगा मैं, इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन। अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके अच्छे से एग्जीक्यूट कर देते हैं तो फिर आप मार्केट में बहुत सक्सेसफुल हैं। और अगर आप ये बोलते हैं हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, पर आप करते नहीं हैं, आप अपने अप्रोच में थोड़ा सा लथार्जिक हो जाते हैं, तो मार्केट से आपको बाहर निकलने में भी बहुत टाइम नहीं लगेगा। सर इसका हमसे क्या लेना देना। जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं ना सीए की, तो एज गुड एज प्रैक्टिस या बिजनेस ही है, जहां आपको अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है और उसको एग्जीक्यूट करके रिजॉल्व भी करना पड़ता है। बहुत सबसे मुश्किल होता है वो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ये बात जरूर मानेंगे कि आपने अपनी प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई की थी कि कौन सा चैप्टर आपको नहीं समझा। जैसे मैं अपने एफआर का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि एग्जाम के ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने पहले मैक्सिमम स्टूडेंट मुझे कॉल करके दो चैप्टर्स के लिए ज़रूर बोलते थे कि सर ये चैप्टर हम छोड़ देते हैं। एक तो था इंड एज 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, और दूसरा चैप्टर या तो कंसोलिडेशन या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रहता था, जो बोलते थे सर हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई किया, एग्जीक्यूशन क्या किया, छोड़ दिया चैप्टर को। अब देखिए, अगर रिजल्ट बाई चांस ख़राब आता है तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं। आप बोलते हैं टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, आप बोलते हो सीए इंस्टीट्यूट अच्छे से मार्क्स नहीं देता, मार्किंग स्ट्रैटेजी गलत है, मतलब आप हर तरह का ब्लेम गेम शुरू कर देते हो। ये आप दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर करते हो अपने करियर में। मैं समझाता हूँ, और इसको समझाने के लिए भी मुझे आपको एक कहानी बतानी पड़ेगी। हम सब जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमको साइकिलिंग कराने की तो कोशिश की थी, साइकिल चलाना तो सिखाया ही था, और जाहिर सी बात है अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो हम गिरते ही हैं। जब हम गिरते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि यार यहाँ गलती हो रही है, और फिर उसके बाद में आप साइकिलिंग सीखने के लिए उसका सॉल्यूशन सोचते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, मैं जब गिरता था मेरे को लगता था हाँ यार मैं पैडल थोड़ा फास्ट चलाऊंगा ना तो मेरी साइकिल से फिर मैं गिरूंगा नहीं। ऐसे ही आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करते हो। और कई सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बोला नहीं यार ये साइकिल वाइकिल चलाना ठीक नहीं है, फालतू लग वग जाती है, साइकिलिंग वाइकिलिंग सब बेकार होती है। क्या फ़र्क है दोनों में, आपने अपनी मिस्टेक रियलाइज ही नहीं की, तो जब रियलाइज ही नहीं की तो सॉल्व कहाँ से करोगे। जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि यार ये चैप्टर मेरे को नहीं आता है, तो उसके बाद आपने क्या किया, वो चैप्टर को छोड़ दिया। उससे अच्छा आप अपनी गलती को रियलाइज़ कर लेते और उसके बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश करते,
यार एक टीचर से नहीं समझा, दूसरे कई सारे टीचर्स हैं जिनके यूट्यूब पे वीडियोस हैं। अपने किसी दोस्त से हेल्प ले लेते हो चैप्टर को समझने की, आईसीआई का मटेरियल पढ़ लेते, कोई और तरीका सोच लेते। पर आपने अगर इनमें से कुछ भी नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपने अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं की। समझ पा रहे हैं? अब आप बोलोगे सर इतना तो टाइम ही नहीं था, आप कुछ भी बात कर रहे हैं। तो अगर टाइम नहीं था ना बॉस, तो ये आपकी गलती 6 महीने का भी कॉस्ट बन सकती है। सो इट मीन्स अ लॉट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है सर, ये सब कहानियाँ अभी क्यों बोल रहे हैं? मतलब अभी रिजल्ट आने वाला है, अभी तो आप और ज़्यादा ब्लंडर पोजीशन के ऊपर लेके जा रहे हैं हमको। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा वर्स्ट सिनेरियो के लिए तैयार रहें, क्योंकि यही तरीका होता है कभी भी किसी भी चीज़ के प्रिपरेशन को करने का। सो ये जो मैंने कहानी बोली, ये जो भी कुछ आपको बोला, आपको रियलाइज़ ज़रूर हुआ होगा कि हाँ यार, दो चीज़ें हैं, एक मिस्टेक एक्सेप्ट करना, दूसरा उसका एग्जीक्यूशन। तो सर कैसे कैसे मिस्टेक्स का क्या क्या एग्जीक्यूशन होता है? मेजरली, मैं मेजरली बोल रहा हूँ कि एक सीए स्टूडेंट को मैंने देखा है कि सिर्फ 3 तरह की मिस्टेक्स होती है। पहला तो होता है चैप्टर को छोड़ देना। तो बॉस अगर आप चैप्टर को छोड़ चुके हैं ना, तो उसका सोल्यूशन मैंने बताया कि आप क्या क्या कर सकते थे। दूसरे मिस्टेक की बात करते हैं। दूसरा मिस्टेक ये होता है कि हम लोग ना, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं हमको आंसर पता होता है, बस स्टार्ट कैसे करना समझ में नहीं आता है, जिस चक्कर में गलतियाँ हो जाती हैं। तो आपके आसपास ऐसा कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होगा जिसके पिछले अटेम्प्ट में स्कोर बहुत कम थे और सडनली अगले अटेम्प्ट में एग्जम्पशन आ गया। ऐसे बच्चों से मिलिए, इन बच्चों से पूछिए कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे थे, आपने प्रेजेंटेशन क्या रखा था पेपर्स में। ये स्टूडेंट्स आपको सही गाइड करेंगे रादर देन एनी पर्सन अराउंड। कोई टीचर ले ले, किसी को भी ले लें, ये आपको सबसे सही गाइड करेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की और कैसे इन्होंने प्रेजेंटेशन पे वर्क किया। और ऐसा कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। टेलीग्राम वगैरह के ऊपर मत जाइए, अपने आसपास के एक्चुअल फ्रेंड्स के ऊपर जाइए। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है राइटिंग स्पीड। हम इतना स्लो लिखते हैं सर कि हमारा पेपर छूट जाता है, और ये मिस प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाँ यार स्लो लिखते हैं, तो स्पीड बढ़ाने के पीछे वर्क करने से अच्छा दूसरी चीज़ें हैं कि हाँ यार मेरा 30 मार्क का पेपर छूट जाएगा ना, तो छूटने दो मेरा 30 मार्क का पेपर। मैं जो 70 मार्क है उसको इस तरह से प्रिपेयर करूँगा कि मुझे उसमें 50 to 60 मार्क्स आराम से मिल जाएं, और मिलते भी हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मार्क्स मिलते हैं पेपर छूटने के बाद। मेरा अकाउंट्स का पेपर 40 मार्क का छूट गया था सीए इंटर में, बट स्टिल आई मैनेज टू स्कोर 60 मार्क्स का। मैंने पेपर दिया था, मेरे को 56 मिल गए थे उसके अंदर। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, पर एग्जीक्यूशन के लिए आपको उसके पीछे मेहनत खुद करनी पड़ेगी। आई होप इस वीडियो के दौरान आप कुछ ना कुछ फ्रूटफुल ज़रूर सीखे हैं, और आप अपने इस वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपरेशन ज़रूर रखेंगे। अगर आप पास हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट बाय चांस खुदा ना खास्ता रिजल्ट किसी भी तरह से कुछ अप डाउन आता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड प्रैक्टिकली कि मेरे को आगे की तैयारी कैसे करना है बिना टाइम वेस्ट किए, रैदर दैन बींग इमोशनली सिटिंग ऑन अ कॉर्नर ऑफ द रूम। ठीक है, सो जय हिंद, ऑल द बेस्ट। होप करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही फ्लाइंग कलर्स के साथ में, अच्छे स्कोर्स के साथ में पास होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।